hello friends and dear students welcome back to my youtube channel as a pediatrics my today's topic is in continuation with my previous topic that is breastfeeding और ब्रेस्ट फीडिंग के रिगार्डिंग मैंने अपने टू वीडियो डी लेक्चर्स जो है वो आप ऑलरेडी अपलोड किए हैं ब्रेस्ट फीडिंग रिफ्लेक्सेस के बारे में आपको बता चुकी हूँ और टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क एंड कॉम्पोजिशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क उसी के ही कॉन्टीन्यूशन में आज मैं आपको बताऊँगी ब्रेस्ट फीडिंग के प्रॉपर टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं और कौन कौन सी पोजिशन में जो है वो एक मदर अपने बेबी को फीड कर सकती है एंड इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि एक बेबी जब फीड करता है तब उसकी पोजिशन जो है वो कंफर्टेबल हो जो साइन ऑफ अटैचमेंट है एक बेबी का विद द मदर जो ब्रेस्ट के साथ अटैचमेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए जो हमारे पास जैसे बेबी का वाइड ओपन माउथ है उसका जो चिन है वो ब्रेस्ट से टच करता है और मदर का जो मैक्सिमम एरियोला है वो बेबी के माउथ में बेबी ने उसको होल्ड करके रखा है वो सकिंग अटैम्प्ट कर रहा है तो ये सभी साइंस जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं एक प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग को मैंटेन करने के लिए सो so, यही सब इन डिटेल मैं आपको आज के लेक्चर में बताऊँगी सो लेट स्टार्ट विद द टूडेज टॉपिक ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स एंड पोजिशंस स्टार्ट विद द टॉपिक ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स एंड पोजिशंस प्रीवियस लेक्चर्स जो थे ब्रेस्ट फीडिंग के रिगार्डिंग उसमें मैंने आपके साथ कॉम्पोजिशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क का डिस्कस किया था और उसका स्टोरेज कैसे कर सकते हैं वो भी आपको बताया था उसी के ही कॉन्टीन्यूशन में आज मैं आपको बताऊंगी ब्रेस्ट फीडिंग की टेक्निक्स एंड पोजिशंस वट आर द गुड ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स first is the baby should be properly positioned to achieve effective latching latching means attachment so proper attachment of the baby with the breast that is depend upon the proper position of the baby during the breastfeeding the mother should be a comfortable uh, apron with the breast well exposed for the infant to be able to लैच फ्रंट ओपन क्लोदिंग जो है वो ज़्यादा कन्वीनियंट होती है मदर के लिए टू फीड द बेबी एंड द इन्फेंट्स माउथ चिन एंड एम शुड बी लिंड अप विद द हेड इन न्यूट्रल पोजिशन एंड द इन्फेंट इज ब्रॉट टू द ब्रेस्ट विद द नोज टचिंग और क्लोज टू द ब्रेस्ट द गम लाइन शुड ओवरलैप द एरियोला एंड द नीपल स्ट्रेट बैक इन टू द माउथ द टंग मूवस फॉरवर्ड बियॉन्ड द लोअर गम एंड कप्ड एंड फॉर्मिंग रिजर्व आर मिल्क इज For the lactiferous sinuses, the jaw moves down, creating a negative pressure gradient that helps transfer the milk to the pharynx of the baby. This is the attachment of the baby's mouth with the breast of the mother. You can see the sign of good attachment and the poor attachment. In case of good attachment, you can see the mouth of the baby is wide open and the lower lip.

विद डिफरेंस यू कैन सी इन बोथ द पिक्चर्स नेक्स्ट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ पोअर अटैचमेंट ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपका डिस्कस किया था कि अगर प्रॉपर अटैचमेंट ना हो बेबी की विद द ब्रेस्ट ऑफ द मदर सो क्या क्या उसके रिजल्ट हो सकते हैं पेन एंड डैमेज टू द नेंपल अगर बच्चे का प्रॉपर पोजिशनिंग नहीं है प्रॉपर अटैचमेंट नहीं है तो मदर को जो है वो पेन हो सकती है उसके निपल्स में एंड दैट लीड्स टू दो नेपल एंड फीचर्स और ब्रेस्ट मिल्क प्रॉपरली रिमूव नहीं हो पाएगा बिकॉज देर इज़ नॉट अ प्रॉपर इफेक्टिव सकिंग बाय द बेबी सो देर इज़ अ मिल्क रिमेन इन द ब्रेस्ट एंड इफ द ब्रेस्ट मिल्क इज़ नॉट रिमूवड इफेक्टिवली फ्रॉम द ब्रेस्ट दैन दैट लीड्स टू द एनकॉर्चमेंट एंड अपरेंट पुअर मिल्क सप्लाई होगी दिच ऑलसो लीड्स टू द बेबी अनसेटिस्फाइड एंड वॉन्ट्स टू फीड अ लॉट एंड ब्रेस्ट मेक लेस मिल्क क्योंकि ब्रेस्ट का एम्प्टी होना ज़्यादा जरूरी है इन ऑर्डर टू फिल इट रिफिल इट बैक विद द मिल्क सो दैट इज ऑल्सो लीड टू द बेबी फ्रस्ट्रेशन एंड रिफ्यूज टू सकल एंड बेबी फेल्स टू गेन वेट कॉजेज क्या हो सकते हैं पुअर अटैचमेंट के फर्स्ट इज द यूज ऑफ वेटिंग बॉटल एंड इन एक्सपीरियंस मदर फंक्शनल डिफिकल्टी एंड लैक ऑफ स्किल सपोर्ट और इनकी वजह से क्या क्या इनके फर्दर आएगा जैसे यूज़ ऑफ फीडिंग बॉटल का है तो बिफोर ब्रेस्ट फीडिंग अगर फीडिंग बॉटल पे बेबी को डाल देते हैं और लेटर ऑन सप्लीमेंट्स देते हैं या फर्स्ट बेबी है और इन एक्सपीरियंस मदर होती है इन केस ऑफ फर्स्ट बेबी सो शी इज़ नॉट एबल टू प्रॉपर्ली नो हाउ टू फीड द बेबी एंड प्रीवियस बॉटल फीडर अगर कोई बेबी है और फंक्शनल डिफ़िकल्टी में आता है कि अगर बेबी ही स्मॉल है या वीक है बेबी इज नॉट मच मोर कैपेबल टू फीड फ्रॉम द ब्रेस्ट उस सकिंग को टाइम नहीं कर पा रहा है एंड निपल पोरली प्रोलेक्टाइल एंड गेंट है ब्रेस्ट में और लेट स्टार्ट किया है फीडिंग बेबी के लिए एंड लैक ऑफ स्किल्ड सपोर्ट लेस ट्रेडिशनल हेल्प एंड द कम्युनिटी सपोर्ट डॉक्टर मिडवाइफ नर्स नॉट ट्रेन टू हेल्प द मदर टू हाउ टू फीड द बेबी विद द ब्रेस्ट मिल्क नेक्स्ट आर द पोजिशंस ब्रेस्ट फीडिंग पोजिशन फर्स्ट है क्रेडल होल्ड पोजिशन आप देख सकते हो इमेज में क्रेडल होल्ड दिस इज द मोस्ट कॉमन पोजिशन यूज बाय द मदर्स एंड इन्फेंट सपोर्टेड इन द एल्बो द बैक एंड द बटक इज सपोर्टेड बाय द आर्म एंड लिफ्टेड टू द ब्रेस्ट टू फीड द बेबी फुटबॉल होल्ड पोजिशन द इनफेंट इज प्लेस्ड अन् द आर्म लाइक होल्डिंग अ फुटबॉल and baby's body is supported with the forearm and the head is supported with the hand many mothers are not comfortable with this position so this position is good after the operative procedures side lying position in this the mother lies on her side propping up her head and shoulder with pillows the infant is also lying down facing the mother good position after cesarean section um, usually, mothers uh, who were under, went under the cesarean section, uh, those mothers can prefer this type of position, that is a sideline position, and allow the new mothers some rest also. Next is the cross cradle hold position. Idle for early breastfeeding, and a mother hold the baby uh, crosswise in the crook of the arm opposite the breast the infant is to be feed. The mother's trunk and the head are supported with the forearm and the palm, and uh, the other hand is placed beneath the breast in a U shape to guide the baby's mouth to the breast. This is the Australian hold position. This is also called the saddle hood, usually used for the older infants, not commonly used by the mothers. बट यूज इन द ओल्डर इन्फेंट्स विद रनिंग नोज एंड ईयर इन्फेक्शन है तो बेबी इज़ नॉट एबल टू फीड प्रॉपरली वो बच्चे जो होते हैं वो नेजल ब्रीदर होते हैं तो उनका नोज जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है और सम वेयर इन द रनिंग नोज के टाइम पे बच्चे को हम इस पोजिशन में फीड कर सकते हैं सो इन दिस पिक्चर कैन यू एबल टू आइडेंटिफाई द पोजिशन आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं साइन ऑफ इफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग बच्चा अच्छे से फीड कर रहा है उसके क्या क्या साइंस होंगे हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं फ्रिक्वेंट फीडिंग ए टू टेन टाइम्स डेली हमें फ़ीड करना चाहिए एंड इंटरमीडियंट एपिसोड ऑफ़ रिदमिक सकिंग विद ऑडिबल्सा शो बी हियर्ड दुष्ट साउंड होती है वो हम सुन सकते हैं वायल फीडिंग इन्फेंट को फीड करते हैं एंड द इन्फेंट शुड हैव अबाउट सिक्स टू एट वेड डाइपर्स इन अ ट्वेंटी फोर आवर पीरियड वंस ब्रेस्ट फीडिंग इज अस्टैब्लिश प्रॉपरली Infants should have minimum 3 to 4 bowel movements every 24 hours and stools should be about 1 tablespoon or larger and should be soft and yellow after day 3. Average daily weight gain is near about 15 to 30 gram. So this is all about my topic uh, techniques of breastfeeding and positions which are used by the mothers to feed the baby. सो आई होप आपको टॉपिक समझ में आया हो इसी के कॉन्टिन्यूशन में अभी थोड़ा सा टॉपिक बचता है ब्रेस्ट फीडिंग के रिगार्डिंग सो so प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एस एस पी और टॉपिक को सुनते रहें और भी जो कोई और टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं अपने वीडियो लेक्चर्स में वो टॉपिक आपको बताऊँ उनके बारे में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं थैंक यू